शामली जनपद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। डीएम और एसपी शामली ने कांवड़ मार्ग का भ्रमण किया और निर्धारित कांवड़ कैंप स्थलों पर साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए। डीएम शामली व पुलिस अधीक्षक ने रूट डायवर्जन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों से वार्ता की है। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर शामली प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। डीएम शामली रविंद्र कुमार का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए शामली प्रशासन लगातार कार्यबद्ध है। उनकी प्राथमिकता है कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जाए और कांवड़ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को चिकित्सा से लेकर खाने पीने तक की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। डीएम शामली ने चिन्हित कांवड़ स्थलों का भी निरीक्षण किया, जहां पर साफ सफाई नहीं थी वहां पर साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था कराई गई है। कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया जा रहा है सर, क्या दिशा निर्देश सर आप लोगों के द्वारा? आज शामली में जो आगामी कांवड़ यात्रा होगी, इससे संबंधित सभी विभागों के साथ में मिलकर मेरे और एसपी साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों को अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि विद्युत डिपार्टमेंट को ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ध्यान रखें, बैरिकेडिंग हो जाए ट्रांसफॉर्मर्स की और पोल पे टेपिंग हो जाए। नगरीय निकायों को और ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो को निर्देश दिए गए हैं कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। जहाँ जहाँ पर निर्धारित की गई है शिविरों के लिए जगह, वहाँ पर शिविर में सारी व्यवस्थाएँ ठीक से रहें ये देखा गया है, और सुरक्षा और ट्रैफिक के मद्देनजर रखते हुए और भी बाकी व्यवस्थाओं को भी देखा गया। इसके अलावा कांवड़ मार्ग रूट डायवर्जन को लेकर भी एसपी शामली ने मार्ग की समीक्षा की है। फिलहाल जो अव्यवस्थाएं हैं, पुलिस और प्रशासन मिलकर उन्हें पूरा करने में लगा है। कांवड़ मार्ग के निरीक्षण के दौरान डीएम शामली रविंद्र सिंह, एसपी शामली अभिषेक झा व एडीएम संतोष कुमार व एडिशनल एसपी ओपी सिंह समेत क्षेत्र अधिकारी मौजूद रहे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।